हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है उमा चंद्रा ब्लॉग में। सावन का पहला सोमवार और सावन में मंदिर जाना शुभ होता है, तो उसी के साथ कुछ झलकियों के साथ आपको ले चलते हैं। मंदिर भी जाएंगे और आज आप देखेंगे हमारे साथ, हमारी हम दो यूट्यूबर थे उनके साथ भी पहला सोमवार कैसे किया हम लोगों ने, क्या क्या किया है। तो ये है निधि क्रिएटिव, पता है आपको, बट ये छोड़ चुकी हैं यूट्यूब। और कुछ पिक्स के साथ में, कुछ झलकियों के साथ में एंजॉय करें पूरा ब्लॉग। सावन का पहला सोमवार कैसे किया, इवनिंग टाइम, सुबह में तो अभी चले गए थे, तो हम लोग घूमने निकले हैं बहुत दिन के बाद, दो यूट्यूबर एक साथ सावन में। पूरा बादल छाए हुए हैं और हम लोग निकल पड़े हैं आज घूमने के लिए। चलो आ जाओ यहीं से, कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत डर लग रहा था कब बारिश होगी, पूरे इंतजाम के साथ छोड़ दिया। पानी देखिए जगह जगह बहुत छोड़ दिया, देखो सारे लोग हल्की हल्की बूंदे पड़ रही छोड़ सकते हैं। एक पेमेंट ले गए, अपना प्रिकॉशन लेके गए थे, एक पेमेंट छोड़ एक पेमेंट है क्या ले गए थे बारिश में, यही हमारा मकसद था। और आज हम निकले हैं दोनों, देखिए बच्चे मस्त, बिल्कुल इनका बचपन देखे, फुल इंजॉय करते हुए। निधि अपडेट लीजिए, बारिश आ गई है, लोग पूछते हैं निधि कहाँ चली गई, घूमना भी बंद हो गया, हम तो घूम भी नहीं रहे हैं, हम कुछ बस यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, बाकी एक्टिविटी रनिंग है। तो सावन में ग्रीन ग्रीन घूम रहे हैं तो अच्छा लगा था, यहाँ पे ग्रीन सही करवाएंगे, चूड़ियाँ हम खरीदे, रियल वॉइस भी सुनते रहे साथ में, हरी हरी चूड़ियाँ और हरा हरी पहन के निकले थे। सावन में हरा हरा होता है, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े इधर, और पूरी प्रकृति हरी, बिल्कुल हरी भरी, अच्छा लगेगा। देखिए पेड़ बिल्कुल धुले धुले, बिल्कुल भी हरियाली, देखें बारिश बादल आया हुआ है, कभी भी बरस जाएगा। और बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं, चारों तरफ बहुत पानी भरा हुआ था, सड़कें टूट गई हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं, हम तो सोच रहे हैं इसमें सारा पानी भरा हुआ है। और लैंड स्लाइड हुआ है ग्रेटर नोएडा में भी, देखिए कैसे और कहाँ, तो देखते रहें। और ये देखिए कुछ पिक्स के साथ में, अच्छा लग रहा था तो यहाँ पे पिक करवाई है। तो चलते रहें, हमारे साथ बने रहें, कैसे हमने किया अपना सावन का पहला सोमवार यूट्यूबर के साथ में। और आपको मंदिर भी घुमाएंगे हम सावन में, सावन में शुभ होता है, पूरी तैयारी से आए हैं, कब बरसे हम, देखिए हम छाता लेके आए, भीगने के लिए नहीं आए, अगर बारिश हुई देखो छाता लेके नहीं, ये सावन में बचेंगे हम छाते लगाने के बाद, जितना भीगेंगे कोई नहीं, बट बारिश हुई नहीं लेके गए थे, चलते हैं हमारे ग्रेटर नोएडा में। और ये स्लाइड यहाँ हुआ है, नाले में हो गया स्लाइड, लैंड स्लाइड जगह जगह, रोड टूट रही है, धसक रही है, यहाँ भी हुआ ये रोड धस गई थी, और यहाँ पे इतना ही टूट गया, ये ऊपर लिंटर मजबूत था बट इसकी साइड की नाले की दीवार कमजोर पहले का लगा, पूरी टूट गई है, इसमें गाय वाय गिर सकती है। चलिए अब हम चलते दिखाते हैं यहाँ की मार्केट, हम जाएंगे मार्केट, मार्केट के बाद में आप मंदिर जाएंगे हम बरसात में, तो आगे देखिए इसके बाद हम आ गए हैं मंदिर। और ये है त्रिलोकीनाथ, ये है सावन में, और दूसरे मंडे में हम दूसरा मंदिर दिखाएंगे आपको। तो आज सावन का पहला सोमवार शुरुआत की है त्रिलोकीनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन यहाँ हम पहले भी ला चुके हैं आपको एक बार, तो यहाँ पे भीड़ दिख रही थी शाम को। और ये देखिए तुलसी के पौधे कितने थे, मैं बहुत ढूंढ रही थी कहाँ मिलेंगे, तो पड़ोस जी से पूछा, बोले हाँ ले जाना अभी शाम को नहीं देंगे। तो ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और ये मैं आ रही थी अंदर की तरफ, वीडियो बनाया इन्होंने, और हम अपना जल लेके आए थे, लोग गंगा जल लेके आए हैं, तो हम गंगा जी में थे तो हम अपने घर से ही जल लेके आए हैं, सिक्की पे चढ़ाया। और ये शिव मंदिर, तो इंजॉय करें आप पंडित जी, सावन में मंदिर जाना शुभ होता है, जाना चाहिए। तो हम भी आए थे मंदिर, शाम को ही आए थे, बट मंडे में जा सकते हैं सुबह शाम कभी भी, शिव जी पे तो शाम को ही जल जल चलता है। हमने निकाला गंगा जल, उसके बाद हम बेलपत्र वगैरह भी चढ़ाएंगे कभी आएंगे तो, आज हम शाम को ही आ गए थे मंदिर। देखते हैं रियल वॉइस भी सुने आप, बहुत सारे लोग देखे ये हैं। और ये लड़की देखिए, हम लोग वीडियो बनाने में वो होते हैं, और ये देखिए लड़की सामने से वीडियो बना रही थी, बिल्कुल बैठ के आराम से वहीं मूर्ति के पास,
तो वीडियो ये लोग बना रहे हैं, ये लोग देखिए दूध पिला रहे हैं मंदिर शिव जी के दर्शन करने, कटोरी भर के दूध, सारे भक्त लगे हुए हैं। ये नंदी कह रहे हैं ये दूध पी रहे, चम्मच से अगर ये मुंह के आगे लगा रहे हैं तो ऐसा कर रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, साइंस ने भी प्रूफ कर दिया। ये कटोरी से पिला रहे हैं दूध, देखिए मैं कह रही सारा पिलाओगी क्या, तो बहुत देर लगे बोले ना। ये है त्रिलोकीनाथ मंदिर, इनके शिव जी अगरबत्ती, इनसे मैंने कहा पूजा करो इस काम के लिए, हम आए अगली बार हम आपको दूसरा दिखाएंगे। आज ये त्रिलोकीनाथ मंदिर और जल ही लेके आए थे हम आज, मैंने इनको बोला था गणेश जी को पिलाओ, ये चम्मच से पिलाया, चम्मच से जैसे ही मुंह के पास लगाएंगे तो दूध पूरा चक होता है। ये देखिए ये भक्त हैं, अजूबा लगा तो थोड़ा, और उसके बाद मैंने भी चढ़ाया देखते रहे। सावन का पहला सोमवार किस तरह से किया हमने, लोगों ने चढ़ाया और ये लोग जल वल कुछ नहीं चढ़ा रहे, ये दूध ही पिला रहे थे बस, पता नहीं इन्होंने चढ़ाया था नहीं। तो उसके बाद गणेश जी को भी कैसे चढ़ाया थे, आरती भी कर रहे थे गणेश जी की, तो घंटा कैसे ये है हमारा पहला सोमवार, इंजॉय करें आप। इसके बाद हम घर तक ले जाएंगे आपको, और क्या क्या किया हमने ये सब देखते रहे, बने रहे हमारे ब्लॉग में, कैसा लगा ब्लॉग। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के पहले सोमवार की, और उसके बाद कुछ पिक्स के साथ में, और ये मंदिर है तो बजरंगबली के मंदिर भी गए थे हम, और दर्शन करते हुए उसके बाद ये आरती करने लगे। इसके बाद चलेंगे हम घर, हर हर महादेव करो भाई अब सावन में, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कुछ आरती भी करी, तो हम आज शिव जी का दिन है, शेयर किया। देखिए शनिदेव, चलिए शनिदेव की भी पूजा की, चलते जय नहीं आज शिव जी का दिन है, बालाजी मंदिर पहले नहीं मंदिर बना, आज शंकर भगवान का ही दिन है, बड़ी भीड़ लग गई भाई, दिन है सावन में तो हर हर महादेव सभी जगह। पूजा करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे वापस अपने घर की तरफ, कह रहे थे चाय पीने के लिए, तो मैंने कहा नहीं घर पियेंगे चल के, तो चलते हैं घर। और ये आ गई है हमारी मंडे मार्केट, यहाँ मंडे मार्केट लगी हुई है, तो एक बार हम आ चुके हैं मार्केट, उसके बाद गाड़ी से गए थे हम मंदिर, और ये है मंडे मार्केट। और आज बारिश के चक्कर में कम लगी है, बहुत कम लगाई है, बहुत अच्छी मार्केट, कभी हम विजिट कराएंगे मंडे मार्केट भी। उसके बाद घर पहुंच चुके हैं, तो कैसा लगा ब्लॉग बताना मुझे, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।